लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना के कारण लाखों कामगार मुसीबत में फंसे हैं, हर कोई प्राण बचाकर अपने घर पहुंचना चाहता है। ऐसे में प्रवासी कामगारों की वापसी में दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आ रहे हैं, जिसमें एक माँ अपने विकलांग बच्चों को लकड़ी के लट्ठे में झूला बनाकर सूरत से पन्ना लेकर पहुंची। महिला के साथ दो छोटे अन्य बच्चों की मदद से श्रवण कुमार की तरह कंधा देकर घर जाती एक बेबस माँ को जिसने देखा दिल झकझोर गया। यह महिला सतना जिले के मझगवां जा रही है, जो पन्ना से 100 किलोमीटर दूर है। लोगों ने इस महिला को देखकर उसके खाने पीने का इंतजाम किया और प्रशासन को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद पन्ना तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी के द्वारा महिला को वाहन उपलब्ध कर उसे उसके घर पहुंचाया। सूरत से किसी न किसी माध्यम से पन्ना पहुंची महिला मजदूर का कहना है कि किसी ने दिया तो खाना खा लिया और अपने बच्चों को कंधे पर लटका कर चले आए। यह दृश्य बहुत ही भावुक कर देने वाली है। सूरत से कैसे किस तरह से पन्ना पहुंचे, उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद कर कुछ खाने की व्यवस्था की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके इस तरह से बच्चे को टांग कर चलने से लगा कि कोई मृतक है। जब जानकारी लगी तो हमारे होश उड़ गए कि यह महिला सूरत से बच्चे को इस तरह से पन्ना ले आई। पन्ना प्रशासन को जैसे ही जानकारी लगी वाहन को भेज दिया और उसे गृहग्राम के लिए गाड़ी को रवाना कर दिया। पन्ना से रतन सिंह की रिपोर्ट। साहब रेंगते आए, कंधे में टांग के आए हैं, कहीं जो गाड़ी मिल जाए तो बैठा दे, नहीं उतार दे, कहीं जाओ रेंगो तरेंगते रहे। जो कहीं पानी मिल जाता था पानी ले लें, कहीं पानी ले लें, नहीं पानी भी नहीं मिलता था। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम तो जा रहे हैं गांव साहब, मझगवां जा रहे हैं। हाँ, कोई वाहन तो हमें मिल नहीं रहा। मझगवां कहाँ पर आता है? ये मझगवां है पहाड़ी घेरा के आगे, सतना। हाँ, चित्रकूट के जो मझगवां है वहाँ पर। हम लोग घर के अंदर थे और देखा कि एक महिला थी और उसके साथ दो छोटे बच्चे थे और एक कंधे में लकड़ी डाल के और कपड़े में लपेट के बच्चे को ले जा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई डेथ वगैरह तो नहीं हो गई है। फिर उससे रोका, वो उसने बताया कि हम सूरत से आए हैं और सूरत से आने के बाद छोड़ गए, तो बच्चा विकलांग है, चल नहीं पाता है और उसके दो दो छोटे बच्चे हैं, उसका पति भी साथ में नहीं है। तो इस तरह से उनको देखा तो हम लोगों को लगा कि मतलब इसकी कुछ मदद करना चाहिए। तो इसको खाने पीने का जो हम लोगों ने फल फूल वगैरह जो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दिया और दे दिया, कुछ आर्थिक रूप से भी मदद की। इसके बाद तहसीलदार पन्ना से बात की तो उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। तो उन्होंने गाड़ी भेजी है और ये गाड़ी भेजी है, उन्होंने बोली कि इसके साथ भेज दो, तो हमें यहाँ पर सत्ता में हमारी गाड़ी जाने वाली है और उन्होंने कर दिया है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।